रसूल हमजा तोब दी पुस्तक मेरा दागिस्तान दा दूसरा कांड सरलेख है एक किताब किमें जन्मी ते किथे लिखी गई। निक्के बाल भी वड्डे सुपने लै सकदे ने, पंगूड़े उपर उकरे शब्द हथियार जिन्हां दी एक वारी ही लोड़ पवेगी जिंदगी भर झुकने पैंदे ने। कविता जो जीवन भर दोहराई जाएगी एक वारी विच लिखी जांदी है। बहार दा एक पंछी बहार आई ते औल उपरों दी उड़ रहा सी, किसे थान उटोलदा जिथे वो उतर सके। एक सकलिया दी चौड़ी पदरी ते साफ छत उत्ते नज़र पैंदिया जिस उत्ते एक पत्थर दा रोलर भी सी, पंछी नलत्तना चों उतरिया ते आराम लई किल उत्ते आ बैठा। एक फुरतीली औरत ने पंछी नूं फड़ लिया ते सकलिया दे अंदर लै गई। पंछी ने देखिया कि घर दे सारे बंदे उस वल मेहरबान हन ते ओ उत्थे ही टिक गया। पुरानी तुआंखी हुई शतेरी उत्ते किल्ला नाल ठोकी घोड़े दी खुरी विच उसने अपना आलना बना लिया। कि मेरी किताब कुछ इसे तरह दी चीज़ नहीं? किन्नी वारी मैं अपनियां काव निलत्तना विचों हेठां वारतक दी वादी विच नज़र मारी है। मेरिया नज़रां टिकण लई कोई उतारे वास्ते थां ढूंढदियां रहियां हन। नहीं, एक हवाई जहाज नाल तुलना देनी ज़्यादा चंगी रहेगी, जिहड़ा हवाई अड्डे उत्ते उतरन ही वाला है। उतारे तो पहला मैं ढालवां मोड़ कट रहा हाँ, पर कंट्रोल वाले मैनू मौसम की खराबी करके उतरन की आग्या नहीं देंदे। चौड़े मोड़ तो मैं सीधी उड़ान उत्ते जा पैंदा हाँ ते उड़दा जांदा हाँ। मेरी इच्छत धरती एक बारी फिर हेठां रह जाती है, कई मौकियां उत्ते इंज होया है। इसलिए मैं सोचा कि अपने पैरां हेठ कोई पक्का पत्थर का आसरा रखना मेरे भागां विच नहीं लिखिया होया। मेरे पैरां दी किस्मत विच धरती नूं कछना लिखिया है। मेरियां अखां लई धरती उपर नवीआं थावां ढूंढण तों चैन ना पाउणा लिखिया है। मेरे दिल दी होणी विच नवें गीतां नूं जन्म देण तों आराम ना पाउणा लिखिया है। उस हाली वांग जिहड़ा उस बदली दी जिहड़ी उसदे सिर दे उत्तों दी लंघ रही है, जां कूंजां दी डार दी जिहड़ी उड़दी हुई कोलों दी लंघ गई है, सिफत करन पिछों सजरी हिम्मत नाल मुट्ठी नूं फड़ लैंदा है। मैं अध विचाले छड्डी कविता नूं मुड़ शुरू कर देंदा हाँ। मैं अपनी कविता दी तुलना भावें किन्नी भी सितारियां जड़े आकाशी गुंबद नाल क्यों ना करदा रहा होवां, पर मेरे लई सचमुच ये मेरे कणक दे खेत वांग रही है। हल नूं उड़ीकदी जमीन वांग, चढ़दे नूं जाण वर्गे मुश्किल कम वांग हुण तक मैं कोई वार तक नहीं लिखी। एक दिन मैनूं एक चिट्ठी मिली, लिफाफे विच एक रसाले दे संपादक दा संदेश सी, जिस रसाले दी मैं बड़ी इज्जत करदा हाँ। वैसे इज्जत मैं उसे संपादक दी भी करदा हाँ। संपादक ने अपनी चिट्ठी इन्हां लफ्ज़ां नाल शुरू कीती सी, सत्कारयोग रसूल। समुचे तौर उत्ते हर चीज़ ही सत्कार विच लपेटी हुई सी। जदों मैं चिट्ठी खोली तां इह मैनूं मज दी खल वर्गी लगी जिहड़ी साडे पहाड़ी लोक अपणियां पदरियां छत्तां उत्ते सुकण लई पा देंदे हन। जदों मैं पढ़ लई तां सफ़िआं ने मज दी खल नालों घट कड़कड़ नहीं कीती। जदों इह सुक जांदी है ते सकलियां दे अंदर लिजाण लई जोड़ी जांदी है। कमी सिर्फ खल वाली नक साड़ दी बो दी सी, चिट्ठी विच्चों कोई बो नहीं सी आ रही। संपादक ने लिखिया सी, असीं फैसला कीता है कि अपने रसाले दे कुछ अगले अंकां विच दागिस्तान दीआं प्राप्तियां, इस दे चंगे कम्मां ते नित्ता प्रति किरत बारे दसीए। बेशक इह साडे सधारण मजदूर मर्दां औरतां दी कहानी होवे, उहनां दे मारकियां ते उहनां दीआं इशामां दी कहानी, तुहाडी पहाड़ी सरजमीन दी उजली भलक दी कहानी, इस दीआं युगां पुराणियां परंपरावां दी, पर ज़्यादा इस ते शानदार अज दी कहानी होवे। असीं फैसला कीता है कि इस तरह दी चीज़ तुहाडे नालों ज़्यादा चंगी कोई नहीं लिख सकता। रूप तुसीं आप चुनो,
निक्की कहानी, लेख, चित्र या नोट। लंबाई 9-10 टाइप किते सफ़े होण ते 20-25 दिनों के अंदर अंदर सानू मिल जाए। सानू आस है ते शुक्रिया अगेते ही। कदी समा सी जदों कुड़ी दी मर्जी पुछण तो बिना ही सिर्फ तयशुदा हकीकत ही उसके सामने लिया के जिमें कि अज दे लोकी कहणगे उसका विआह कर दिता जांदा सी। उसनू दस्या जांदा सी कि सब कुछ तय हो चुका है, पर उन्हां दिनां विच वी साढ़े पहाड़ां विच कोई अपने मुंडे दी शादी बिना उसकी रजामंदी दे करन दी हिम्मत नहीं सी करदा। कहिंदे ने कि हिदातली दे किसी आदमी ने एक वारी इंज कीता सी, पर की मेरा सत्कारयोग संपादक पहाड़ी पिंड हिदातली दा रहण वाला सी? उसने मेरे लिए सब कुछ तय कर दिता सी, पर की मैं अपना दागिस्तान दी कहानी 9 सफ़ियां विच ते 20 दिनां दे अंदर अंदर दसण दा मन बना लिया सी? गुस्से विच मैं ओ चिट्ठी जिसने मेरे नाल इस तरह वधीकी कीती सी जिन्नी दूर सुट सकदा सां सुट पाई। कुछ समा मगरों मेरा टैलीफोन लगातार बजना शुरू हो गया। जिस तरह यह टैलीफोन ना होवे सगो हुणे हुणे आंडा दे के आई कुकड़ी होवे। बेशक टैलीफोन रसाले दे दफ्तरों सी। हैलो रसूल, साड़ी चिट्ठी पहुंची के नहीं? पहुंची है। सो मसाला कित्थे है? देखो ना, हर तरह दियां चीज़ां हुंदियां ने ध्यान मंगण वालियां, मैनू समा नहीं मिलिया। सुन रसूल, तू सानू इंज शर्मिंदा ना करवा। साढ़े रसाले की 10 लाख की छाप है। साडा रसाला विदेशी भी पढ़िया जाता है। जे तू सचमुच रुझा होया तो असी एक आदमी भेज देंदे हाँ। तू उसनू बस कुछ विचार सुट देवी तो विस्थार दे देवी, तो बाकी वो आप सब कुछ कर लवेगा। तेनू सिर्फ उसके मसौदे उत्ते सरसरी नज़र मारनी पवेगी, अपने हिसाब नाल ठीक ठाक करना पवेगा, तो अपने दस्खत करने पैणगे। वड्डी गल तेरे दस्खतां दी है। जिहड़ा भी कोई घर आए मेहमान नू देख के खुश नहीं हुंदा वो इस गल दा हकदार है कि उस दियां सब हड्डियां तोड़ दित्तियां जाण। जे कोई वट्टे मूँह नाल जां मत्थे त्योड़ी पा के मेहमान नू मिलदा है तां रब करे उस दे घर कोई सलाह देण वाले सियाणे जां सलाह सुणन वाले छोटे ना होण। अपने इलाके विच असीं प्रौहणियां वल इंज देखदे हाँ। सिर्फ रब दे वास्ते सालीखा लोभ नू मेरे कोल ना भेजणा। मैं अपनी डफ उसकी सहायता तो बिना ही कस सकता हाँ। मैं अपने मटके नू आप हत्थी ला लवांगा। जे मेरी पिट्ठ उत्ते खुरक होवे तां कोई भी मेरे अपने नालों चंगा नहीं खुरक सकता। इत्थे आ के साडी गलबात मुक्की। वासलाम वालेकुम। मैं महीने की छुट्टी ली ते अपनी जन्म औल तसादा वल मैं तुर पिया। तसादा 70 निग्गे चुल्ले 70 धूंकशां विचों निर्मल पहाड़ी आकाश वल नूं जांदा नीला धूआं, काली मिट्टी उत्ते खड़ियां चिट्टियां सकलियां, औल ते चिट्टियां झुग्गियां दे सामने पासे पदरे हरे खेत, पिंड तो पार पहाड़, सलेटी चटाना साड़ी औल दे उत्ते झुकियां होईयां। किन्ने सारे बच्चियां वांग जिहड़े विहड़े विच हो रहे विआह नूं देखण लई पदरी छत उत्ते इकट्ठे हो गए होण। जदों मैं तसादा पुज्जा तां मैनूं इक चिट्ठी बारे याद आया जिहड़ी मेरे पिता ने पहली वार मास्को देखण तों पिछों लिखी सी। ये दसना हमेशा ही मुश्किल हुंदा सी कि पिता जी कदों मजाक कर रहे हन ते कदों वो गंभीर हुंदे हन। पिता जी लई मास्को अचंबा सी। इंज लगदा है कि मास्को विचले लोग खाना पकाउण लई अपने चुल्हे नहीं बालदे, क्योंकि मैं किसी औरत नूं अपने घर दीआं कंधां उत्ते कज़ियाक थप्पदिआं जां अबू तालब दी जत दी पाटी हुई टोपी वांग घर तों धूआं उठदा नहीं देखिआ। ना ही मैनूं पत्थर दे रोलर दिसे हन जिन्हां नूं असीं अपणियां छत्तां उपरली मिट्टी बिठाउण लई वरतदे हाँ। ना मैं लोकां नूं अपणियां छत्तां उत्ते तूड़ी सुकाउंदिआं देखिआ है, पर जे ओह तूड़ी नहीं सुकाउंदे तां अपणियां गाईआं नूं चारा कादा पाउंदे ने?
मैं एक भी औरत नूं छटियां चुकी जां घा दी पंड चुकी लंघदियां नहीं देखिया। मैं सुरने दी धुन जां डफ दियां आवाज़ां नहीं सुनियां। हो सकदा है बंदे नूं लगे जिवें इत्थे लोकी विआह ही नहीं करवाउंदे जां विआह दियां खुशियां नहीं मनाईयां जांदियां। मैं इस अजीब शहर दियां गलियां भावें किन्नियां गाईयां हन, मैनू एक भी भेड़ नज़र नहीं आई। सवाल यह पैदा होंदा है कि जदों कोई प्रौणा बरूहां आण चढ़दा है तां मास्को वाले किसदा झटका करदे ने? जे उह भेड़ नहीं चटकाउंदे तां उह अपने प्यारे मित्र दे आउण दा चाह किवें मनाउंदे ने? नहीं, मैनू इस जीवन ढंग लई कोई खिच नहीं। मैं वापस तसादा अपने घर पहुँचना चाहुंदा हाँ, जिथे मैं अपनी वोटी नूं इह कह के कि थोम खूब पामी जी भर के खीन काल खा सकदा हाँ। पिता जी नूं मास्को विच कई होर नुक्स दिसे जदों उन्हां ने इस दा मुकाबला अपनी औल नाल कीता। बेशक उह मजाक कर रहे सन जदों उन्हां ने मास्को दियां कंधां उत्ते सुक दी कोई कज़ियाक ना दिसण उत्ते हैरानी प्रगट कीती सी, पर जदों उन्हां ने इह कहा सी कि मैं इस महानगरी नालों अपनी निक्की जी औल नूं तरजीह दिंदा हाँ तां उह मजाक नहीं सन कर रहे। उह अपने तसादा नूं प्यार करदे सन ते इस धरती उपरलियां सारियां राजधानियां नाल भी इस नूं बटाउण लई तैयार नहीं सन। मेरा प्यारा तसादा, मैं उस विशाल दुनिया तों तेरे वल मुड़िया हाँ जिस दुनिया विच पिता जी नूं इन्ने नुक्स दिसे सन। मैं उस सारी दुनिया घूमिया हाँ ते अचंभे विच पौण वाला किन्ना कुछ मैं देखिया है। सुंदरता दी भरमार देख के मेरियां अखां चुंदियां आ जांदियां रहियां हन, किसी एक चीज़ उत्ते नहीं सन टिक सकदियां। मेरी नज़र एक शानदार मंदिर तों दूजे वल, एक सुंदर चेहरे तों दूजे वल भटकदी रही है, पर मैनूं इह पता हुंदा सी कि मैं हुण जो देख रहा हाँ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਕੋਨ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਚਕਰਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮਟੀਆਂ 70 ਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵੀਨਸ ਕਾਹਿਰਾ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਵਾਰ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਚੁੱਕੀ ਪਹੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬੀਲੀ ਹੈ? ਤਸਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਤਰੇੜ ਮੇਰੇ ਥੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਿਹਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਤਸਾਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਏ, ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਂ ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫਟਿਆ ਜਿਹਾ ਜੱਤ ਦਾ
टोप है, हत्थां विच लम्मी सारी डांग ते पैरां विच धूड़ है। मेरी नज़रे एक पहा पैंदा है ते इस उत्ते ओही धुंधला जिहा आकार दिसदा है, ये मैं हाँ 30 साल पहला। मैं नाल लगदी औल वल जा रहा हाँ, शायद पिता जी का कोई काम करन। हर कदम उत्ते मेरा अपने आप नाल, अपने बचपन दे सालां नाल, उना दियां झड़ियां, उना दे फुल्लां ते पतझड़ नूं डिगदे पत्तियां नाल मिलाप हुंदा है। मैं कपड़े लाह मारदा हाँ ते झरने दे लिशकां मारदे पानी हेठ जा खड़ोंदा हाँ। चट्टान तो डिगदी इस दी तार 8 झरियां विच वंडी जांदी है, जिहड़ियां फिर मुड़ मुड़ एक दूजी विच मिलदियां जांदियां ने। जदों तक कि यह मेरे मोढ़ियां उत्ते, मेरियां बाहां, मेरे सिर उत्ते नहीं आवजदी। मेरे ठंडे झरने दे मुकाबले उत्ते पैरिस दे पैलेस रॉयल होटल दे फुआरे हेठ अशनान एक प्लास्टिक दा खड़ौना है। पहाड़ी नदी तो लांबे डिगदे तुपका तुपका पानी नाल पत्थरां दे विचकार एक गर्म पानी दा टोबा जिहा बन गया है। मेरे पहाड़ी अशनान स्थान दे मुकाबले उत्ते लंडन दे मेट्रोपोल होटल दा नीली भा मारदा नहाउण वाला टब सिर्फ एक हाथ धोण वाले बेसन वांग है। बेशक मैं बड़े बड़े शहरां विच घूमण फिरन दा शौकीन हाँ, पर 5-6 लंबियां सैरां तो पिछों शहर जाणिया पछाणिया लगन लग पैंदा है ते सैर करना जारी रखण दी सारी इच्छा मांद पै जांदी है। पर इत्थे मैं अपनी औल दियां निक्कियां निक्कियां गलियां नूं हजारवीं वार कछ रहा हाँ, पर संतुष्ट अजे भी नहीं होया। उन्हां नूं कछण दी इच्छा मांद नहीं पई। इस बारी मैं हर घर विच गया, हर चुल्हे अग्गे भावें उस विच अग बल रही सी जां भुब्बल अजे भी मग रही सी ते भावें सुआह ठंडी सीत हो चुकी सी, मैं अपना सिर झुकाया जिहड़ा खुद समें दी ठंडी चिट्टी धूड़ नाल कज्जिया पिया सी। मैं पंगूड़ियां दे कोल खड़ोता जिन्हां विच भविख दे पहाड़ी औरतां मर्द हवा हवा कर रहे सन, कुछ होरनां कोल जा खड़ोता जिहड़े खाली सन पर अजे निग्गे सन, ते कुछ होरनां कोल जिन्हां विचले कंबल ते सराणे कदे दे ठंडे हो चुके सन। हर पंगूड़े कोल मैनूं इंज लगा जिवें मैं खुद उत्थे पिया होवां ते जिंदगी दी हर शै अजे मेरे अगे आउणी है। पहाड़ी राह, रूस दीआं चौड़ीआं सड़कां ते दूर दराडे दे देशां दीआं जरनैली सड़कां ते हवाई अड्डे। मैं बालां उपर झुक के गीत गुणगुणाए, उन्हां नूं लोरियां सुणाईआं जद तक कि उह मेरे सादे जिहे गीत सुणदे सुणदे सौ ना गए। मैं तसादा दे कब्रस्तान विच भी घुम्मदा रहा जिथे पुराणियां घा कज्जियां कबरां दे विच विच सजरियां कबरां भी मिलियां होईयां सन जिन्हां तों अजे हुणे हुणे उल्टाई मिट्टी दी वाशना आ रही सी। मैं उन्हां घरां विच मौन बैठा रहा जिन्हां विच किरियाक्रम हो रहे सन ते विआहां शादियां उत्ते मैं खुशी खुशी भंगड़े पाए। मैं कई बिथियामां ते कहानियां सुणियां जो पहलां कदी नहीं सन सुणियां। बड़ा कुछ जो मैनूं पता सी पर भुल चुका सी मुड़ परताया। चेते दियां बेतल ते हनेरियां डूंगानां तों सतह उपर मैं नित्तर आया। नवें नूं मैं अपनियां अखां नाल देखिया, पुराने बारे मैं सुणिया ते यादां विच लै गया ते मेरियां सोचां रंग बिरंगियां तंदां वांग सन जिहड़ियां तकले द्वारे वलियां होण। अपने मनी मन विच मैं उस बहुरंगे कालीन नूं चितरिया जिहड़ा इन्हां तंदां नाल उणिया जा सकदा है। अजे कल ही तां बाल दोस्तां दे नाल रल के रौला पाउंदे, पंछियां दे सां आलणे ढाउंदे, फिर इकदम ही चढ़ी जवानी आई मुहब्बत, नील कमल दो नैण तक्के पाणी भरवाउंदे। अजे कल ही तां सोच रिहा सां मैं होया हाँ, रहिंदे दिनां तक गहर गंभीर अडोल सियाणा आई मुहब्बत ते एवें तक के मुस्काई ते मैं उदे सामे बन गया फेर न्याणा। हाँ, मेरे कोल प्यार दी अधूरी कविता पई है। गबरू ते मुटियार, मैं वो गबरू हाँ, मुख नायका मेरी प्रीतिमा है।
मैनू टेक के कविता पूरी करनी चाहीदी है, पर मैनू महसूस हुंदा है जिवें मैनू हुणे हुणे तराह कढ़न वाली तार मिली है ते मैनू सारा कुछ छड के हवाई अड्डे लई तुर पैना चाहीदा है। जां इंज वी वापर सकदा है जदों कोई पहाड़ी औरत तड़कसार चुल्ले विच अग बाल रही है, वह कल दे बचे खाने नूं गर्म करनी वाली है जिहड़ा सारे परिवार लई काफ़ी होवेगा, पर अचनचेत बुरूहां उत्ते कोई परौणा दिसदा है ते कल दे खाण वाली काढ़नी लांभे रख देनी ते सजरा खाना तैयार करना जरूरी हो जाता है। जां इंज वी वापर सकदा है किसी विआह उत्ते नौजवान अपने दोस्त ते साथी लाड़े दे आस पास बैठे हन, पर अचानक उन्हां नूं उठना पैंदा है ते अपनियां थावां छड्डणियां पैंदियां हन क्योंकि उन्हां दे वडेरे कमरे विच आ गए हन। जां इंज वी वापर सकदा है किसी दीवान खाने विच बजुर्ग सवा लाई बैठे हन जदके बच्चे उत्थे खेड रहे हन, अचानक बच्चियां नूं कमरे विचों बाहर भेज दिता जांदा है क्योंकि बड़े किसी महत्वपूर्ण मसले बारे विचार करना चाहते हैं। मैनू कदी कदी लगता है मैं एक शिकारी वांग, एक माहीगीर वांग जां एक घोड़सवार वांग हाँ। मैं विचारां दी सूह विच रहिंदा हाँ, उन्हां नूं फड़दा ते उन्हां उपर काठी पाउंदा ते उन्हां नूं अड्डी लाउंदा हाँ। किसी होर समय मैनू लगता है मैं हिरन सामन जां घोड़ा हाँ ते उपरले तो उल्ट विचार सोचां ते भावनावां मेरी तलाश विच रहिंदियां हन, मैनू फड़दियां हन, मेरे उत्ते काठी पाउंदियां हन ते मैनू काबू विच रखदियां हन। बेशक भावनावां ते विचार इंज आउंदे हन जिवें पहाड़ां विच परौणे बिना बुलाए ते बिना पता दित्ते। परौणे वांग ही तुसीं उन्हां तों लुक नहीं सकदे, नठ नहीं सकदे। साडे लई साडे पहाड़ी हिस्सियां विच परौणियां दी महत्वपूर्ण ते महत्वहीण विच उच्चे ते नीवे विच वंड नहीं कीती जांदी। सब तों वध विलक्षण परौणा साडे लई सिर्फ इस लई महत्वपूर्ण है कि उह परौणा है। सब तों वध तुच्छ परौणे नूं सब तों बजुर्ग मेजवानां नालों वधेरे इज्जत नाल देखिया जांदा है। इह पुछे बिना कि उह किहड़े इलाके विचों आया है असीं मेहमान नूं बरूहां विच मिलदे हाँ, उसनूं अग दे नेड़े सन्मानित थां उत्ते लै जांदे हाँ ते बैठण लई गदैले दिंदे हाँ। पहाड़ां विच परौणा हमेशा अचनचेत ही आउंदा है, पर उह कदी वी अचनचेत नहीं हुंदा ते सानू कदी वी हैरानी विच नहीं पाउंदा क्योंकि असीं हमेशा ही परौणियां नूं उड़ीकदे हाँ, किसी भी दिन किसी भी घड़ी किसी भी पल। इस पुस्तक दा विचार मैनू इंज आया है जिवें पहाड़ां विच परौणा आउंदा है। जां इंज वी वापर सकदा है तुसीं अलसाए जिहे तरीके नाल कंध तों पंडूर लाउंदे हो क्योंकि तुहाडे कोल करन लई होर कुछ चंगेरा नहीं, सिर्फ इह देखण लई कि इह सुर कीता होया है जां नहीं ते इस नूं टुणकाउणा शुरू कर दिंदे हो। तुहाडे मन विच इक धुन जन्म लै लैंदी है, सुरां लै विच वहिण लग पैंदियां हन ते तुसीं गाउणा शुरू कर दिंदे हो बिना ख्याल कीतिआं कि रात मुकण वाली है ते पौ पटाला होण वाला है। जां इंज वी वापर सकदा है कोई नौजवान एवें कोई माड़ा जिहा काम करन लई नाल दी औल विच जांदा है ते अपने पिछे काठी उत्ते अपनी वोटी नूं बिठाई वापस आउंदा है। प्यारे संपादक, मैं तुहाडी चिट्ठी विच कीती गई बेनती नूं पूरा करांगा। मैं जल्दी ही दागिस्तान बारे किताब शुरू करांगा, पर मैनूं माफ़ कर देना जे मैं तुहाडे वलों मिथे समय दे विच इह पूरी ना कर सकां। मेरे गाउण लई बहुत पगडंडियां पईआं ने ते साडे पहाड़ां दीआं पगडंडियां बड़ीआं मुश्किल ते ढलाण वालीआं। मेरे पहाड़ दूर रहस्यमय ढंग नाल लिशकदे हन किन्ने सारे अणघड़े हीरियां वांग। मेरी घोड़ी नूं विशाल चुड़त्तणा दी लोड़ है ते इह उस तंग खड्ड विच नहीं दुड़की लाउणा चाहुंदी जिस वल तुसीं इशारा कीता है। मैं तुहाडे दसे 9 या 10 सफ़ियां विच वी अपने दागिस्तान नूं नहीं लपेट सकदा, ना ही मैं प्राप्तियां चंगे कम्मां ते नेता प्रति किरत बारे सधारण मजदूर मर्दां औरतां उन्हां दे मारकियां ते उन्हां दीआं अशामां बारे ते अपनी पहाड़ी सरजमीन दी भलक इस दीआं युगां पुराणियां परंपरावां ते ज़्यादा इस ते शानदार अज बारे भी दसदा
कुछ लिखण दे समर्थ हो सकांगा। मेरी कमजोर कलम इन्ना बोझ नहीं उठा सकती। इस दी नेब उपरला स्याही दा एक तुपका बड़े बड़े सहज चाल चल दे दरियावां दे शरीले पहाड़ी झरनिया नूं दुनिया दी किस्मत ते एक मनुख दी होनी नूं नहीं समा सकदा। बड़े पंछी विच बहुत खून हुंदा है, छोटे पंछी विच थोड़ा खून हुंदा है। खून दी मात्रा पंछी उत्ते निर्भर करदी है। कहावत है, फल दी गिटक एक वारी सुट दित्ती गई, ए हिरन दे सिर उत्ते जा डिगी, जिस तो अत सोहणे शाखा वाले सिंग उग खड़ोते। कहावत है, जे दुनिया विच कोई अली ना हुंदा तो कोई उम्र भी पैदा ना हुंदा, जे रात ना हुंदी तो सवेर दे चढ़न ले कोई थां ना हुंदी। कहावत है, उकाब तू कित्थे जम्मिया सैं, तंग गुफा विच। उकाब तू किधर नूं उड़दा जा रहा, विशाल आकाश वल। दोस्तों, ये सी दूसरा कांड मेरा दागिस्तान पुस्तक दा।